दोस्तों, मैं हूं अनुपमा और अनुपम फूड्स चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मैं आज लौकी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाने वाली हूं, तो चलिए बनाती हूं लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी बनाने के लिए लौकी को छीलकर धोकर उसे बड़े बड़े पीस में कट करके ले ली हूँ। आलू को भी छीलकर उसे धोकर उसे बड़े बड़े पीस में कट की हूँ। इस तरह से दो बड़े साइज के प्याज को रफली काट करके ले ली हूँ और एक टमाटर। तो चलिए बनाती हूँ सब्जी। सब्जी बनाने के लिए एक कुकर को गैस पर रखकर कुकर को अच्छे से गर्म कर ली हूँ। अभी इसमें एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब उसमें थोड़े से गोटा जीरा, दो सूखी लाल मिर्च, दो तेज पत्ते और थोड़े से खड़े गर्म मसाले हैं, जिसमें एक बड़ी इलायची है, दो लौंग है, छोटी इलायची है और दालचीनी है। इन सबको डाल दे रही हूँ। ये जब हमारे तड़क जाएंगे तब जो रफली प्याज काट करके ली थी उसे डाल दूंगी और इसे डालकर बस हमें एक से दो मिनट ही भूनना है। हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं फ्राई करना है। प्याज हमारे भून गए हैं, हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा। चलो फ्राई कर रही हूँ। अब जो लौकी और आलू को कट करके रखी थी उसे भी इसमें डालकर एक से दो मिनट तक भून लूँगी। लौकी और आलू को भी एक से दो मिनट तक अच्छे से भून ली हूँ। ये देखिए, इसे भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है और हाई फ्लेम पर भी आप इसे भून कर भून सकती हैं। ये हमारे भून गए हैं। अब इसमें हाफ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ छोटा चम्मच कोई भी सब्जी मसाला आप यूज़ कर सकती हैं, एक टमाटर जो रफली काट कर छिली थी वो, एक चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इससे सब्जी का कलर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इन सबको डाल दे रही हूँ और डालकर एक से दो मिनट तक इसे भी भून लेती हूँ। मसाले डालकर भी मीडियम फ्लेम पर एक से दो मिनट तक सब्जी को अच्छे से भून ली हूँ। ये देखिए, सब्जी हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ और ढक्कन लगाकर एक सीटी आने तक इसमें प्रेशर दे देती हूँ। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। एक प्रेशर आने तक ही इसमें सीटी दी थी, उसके बाद फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर दी थी और प्रेशर इसी में रहने दी थी। ये देखिए, सब्जी हमारी अच्छे से गल गई है पूरी तरह से, काफ़ी अच्छी सब्जी बनी है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड कर देती हूँ और फिर एक प्लेट में से निकाल दे रही हूँ। ये लीजिए दोस्तों, हमारी सब्जी बनकर तैयार है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और होटल की सब्जी को भी ये फीकी कर देगी। तो प्लीज़ आप लौकी की सब्जी इस रेसिपी से ज़रूर बनाएं, सबको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।